आज मॉर्निंग ड्रिंक में आपको लेना है कैरेट बीटरूट का जूस। ये दोनों सब्जियां आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये आपके शरीर को डिटॉक्स करती है। इस जूस में बहुत सारा फाइबर होता है, इसलिए जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन गैस की समस्या होती है उनको ये बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। गाजर में मिलता है बीटा कैरोटीन, जो वाइटामिन ए का प्रीकर्सर होता है, जिससे हमारी आईसाइट अच्छी रहती है, चेहरा आपका इसको पीने से ग्लो करता है। इसके अलावा नेचुरली ये हमारे खून में हीमोग्लोबिन के लेवल्स को भी इम्प्रूव करता है। आधे घंटे बाद आपको लेने हैं अपने ड्राई फ्रूट्स, 5 भीगे हुए बादाम और 2 अखरोट। नाश्ते में आज है वेजी सैंडविचेस, इसकी रेसिपी जान लेते हैं। ये जो सब्जियां मैंने स्क्रीन पर दिखाई हैं, ये आपको बारीक चॉप कर लेनी है। इसके बाद हमें तेल गरम करना है। उसमें डालेंगे हम सबसे पहले मस्टर्ड सीड, उनको थोड़ा भुनने देंगे। उसके बाद हम ऐड कर देंगे प्याज और बाकी सब्जियां। इसको हमें हल्का हल्का पकाना है, बहुत ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि सब्जियों का जो क्रंच है वो सैंडविचेस में बना रहेगा, तो अच्छा है। इनको हल्का सा गर्म होने के बाद हम डाल देंगे नमक अपने स्वाद के अनुसार, और फिर ऐड करेंगे हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर अपने स्वाद के हिसाब से। मैगी मसाला मैं इसमें बस थोड़े फ्लेवर के लिए डालती हूँ, आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। सारी सब्जियों को अच्छे से पका लीजिए। इसके बाद हमें डालना है इसमें थोड़ा सा टमेटो सॉस, सिर्फ स्वाद के लिए। इसके बाद बना लेंगे अपने सैंडविचेस। ये देख रहे हैं आप सैंडविच मेकर, ऐसा अगर आपके पास है तो इसमें हम ब्रेड के ऊपर थोड़ा थोड़ा बटर लगाते हैं दोनों तरफ। उसके बाद हम लगाते हैं हरी चटनी, सिर्फ स्वाद के लिए। अगर हरी चटनी नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इन सैंडविचेस में आपको चीज नहीं डालना है, उससे कैलोरीज बढ़ जाएंगे और वो हेल्दी भी नहीं रहेगा। तो इसलिए इसमें थोड़ी चटनी फ्लेवर के लिए लगाएंगे तो सैंडविचेस बहुत ज्यादा टेस्टी लगेंगे, आप जरूर बनाइएगा। ये सारी सब्जियां बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, इसलिए इसमें मैंने आलू या चीज नहीं डाला है, और इस सैंडविच को जितना हो सकता है हेल्दी बनाने की कोशिश की है। जो ब्रेड मैंने यहाँ पे यूज की है वो भी मल्टीग्रेन है, और अगर मल्टीग्रेन नहीं मिलती है तो होल व्हीट यूज करिए, मैदा की जो ब्रेड होती है वो आपको अवॉइड करनी है। ये देखिए फिर चाय बन रही है, चाय की रेसिपी हम सबको आती है, तो आप चाय पी रहे हैं तो चाय लीजिए, नहीं तो स्किम्ड दूध आपको लेना है। फिर आप ये सैंडविचेस को कट कर लीजिए, आपको लेने हैं 3 पीस। साथ में लीजिए पुदीने की चटनी, चाय या फिर दूध, जो आपको लेना है। मॉर्निंग स्नैक्स में आपको लेना है चिया सीड वाटर। चिया सीड वाटर आपको 7ों दिन लेना है नाश्ते के बाद, तो ये सेम रहेगा। और इसके साथ लेंगे आज हम संतरा। संतरा अगर नहीं है तो आप एप्पल से रिप्लेस कर सकते हैं। लंच में आप लेंगे दाल सब्जी रोटी। दाल बनाने की रेसिपी जान लेते हैं। मूंग और तुअर, जिसको अरहर भी कहते हैं, वो आपको भिगो के रखना है। फिर तड़का लगाते हैं मस्टर्ड, जीरा और हींग से। फिर इसमें हम डाल देंगे प्याज, फिर इसको हल्का हल्का भून लेंगे। प्याज जब अच्छे से भून जाएगी फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाना है, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। फिर हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आपको कोई मसाला ऐड करना है तो आप कीजिए, मैं सिर्फ नमक ही डालती हूँ, उससे काफी अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद आप इसे प्रेशर कुक कर लीजिए। अब जान लेते हैं बीन सब्जी की रेसिपी। आपको तेल गरम करना है, इसमें डालना है थोड़ा सा जीरा और हींग। इसके बाद हम ऐड करेंगे हरी मिर्च स्लिट की हुई, और फिर ये बीन्स ऐड कर देंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं डालती हूँ मैं, काफी सिंपल सब्जी लेकिन बहुत स्वादिष्ट होती है। आप चाहें तो इसमें टमाटर प्याज डाल सकते हैं, और मसालों में धनिया पाउडर और हल्दी नमक, इसके अलावा कुछ और नहीं डालना है। फिर आप इसको धीरे धीरे पका लीजिए, आपकी सब्जी तैयार हो जाएगी। तैयार है आपका हेल्दी लंच। आपको लेनी है 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी और 1 रोटी। इवनिंग स्नैक्स में आपको लेना है अंजीर और बीन सैलेड। अंजीर आपकी बोन डेंसिटी के लिए बहुत अच्छा है, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, तो 1 पीस आप लीजिए। बीन सैलेड की रेसिपी जान लेते हैं। इसके लिए आपको लेना है 2-2 चम्मच राजमा, मूंगफली, लोबिया और काबुली चना। इसको 8 से 10 घंटे आपको भिगोना है। ये सारी चीजें प्रोटीन पैक्ड हैं, और ये सैलेड बहुत ही ज्यादा टेस्टी और प्रोटीन से भरा हुआ होता है। सारी चीजों को आपको भिगोने के बाद अच्छे से उबालना है। फिर हमें चॉप करने हैं चेरी टमेटोज, थोड़ा सा लेमन और हरा धनिया। थोड़ा सा हमें चाहिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अब ये सारी चीजें हम मिक्स कर लेंगे सब्जियों को। अगर चेरी टमेटोज नहीं है तो नॉर्मल वाले टमाटर भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डालना है। फिर डालेंगे हम रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल,
फिर डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा नींबू, सारी चीजों को मिक्स कर देंगे और ये तैयार है आपका बीन सैलेड। ये सैलेड बहुत ही फिलिंग होता है, बहुत ही फाइब्रस होता है और सबसे अच्छी चीज इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। इतने सारे बीन्स के इसमें गुण होते हैं, आपकी सेहत के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जब भी आपको बहुत ज्यादा भूख लगे ये बीन सैलेड आप जरूर बनाएं। डिनर में आपको लेना है राजमा राइस और उसके साथ सैलेड। राजमा बनाने की रेसिपी जान लेते हैं। राजमा को आपको 8 से 10 घंटे भिगोना है। भीगे हुए राजमा को हम उबाल लेंगे। इसके बाद तैयारी करते हैं हम मसाला बनाने के लिए, जिसके लिए टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन इन सब का बारीक पीस के हम पेस्ट बना लेंगे इस तरीके से। सूखे खड़े मसालों में हमें लेना है तेज पत्ता, जावित्री, काली मिर्च, बड़ी इलायची और लौंग। एवरेस्ट का राजमा मसाला हम डालते हैं, आपके पास जो भी आप वो डालिए। तेल गर्म होने के बाद हम उसमें डालेंगे ये साबुत मसाले। साबुत मसाले जब थोड़े से पक जाएंगे इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये पेस्ट। पेस्ट को हमें तब तक पकाना है जब तक तेल ऊपर आने ना लगे। इसमें 5 से 7 मिनट आपको लग सकता है। फिर सूखे पाउडर्ड मसाले इसमें डालेंगे। मैं इसमें डालती हूँ हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और धनिया पाउडर। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा राजमा मसाला स्वाद के लिए, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। फिर मसाले को अच्छे से भूनना है। 1 कप पानी डाल करके फिर से थोड़ा पकाएंगे, इससे मसाला बहुत अच्छे से पकता है। फिर हम उबले हुए राजमा इसमें डाल देंगे, उसका पानी भी साथ में डालिए। फिर नमक डाल के इसको सीटी लगानी है। आपको लेना है 1 कटोरी राजमा, 1 कटोरी राइस और थोड़ा सा सैलेड जिसमें आधा खीरा और आधी प्याज होगी। तैयार है आपका स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना। नाइट ड्रिंक में आप ले लीजिए जिंजर हनी टी। इसको बनाने के लिए अदरक का एक टुकड़ा छील के आपको कूटना है। फिर इसको हम 200 ml पानी में अच्छे से उबालेंगे, कम से कम 5 से 7 मिनट, ताकि अदरक का अर्क इसमें अच्छे से आ जाए। फिर छान के हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून शहद। शहद हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये ड्रिंक आपको मदद करेगी फैट लॉस में, आपका स्ट्रेस कम करेगी और जब सुबह उठते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की जिन लोग को प्रॉब्लम होती है वो भी इससे नहीं होगी। कल डे 6 में मिलते हैं। गुड नाइट, नमस्ते।